हो सकता है इंडिया में टेलीग्राम बहुत जल्द बंद हो जाए। पावेल ड्यूरोव जो कि टेलीग्राम के सीईओ हैं, उनको फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनको अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि उनको जो टेलीग्राम है उस पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे हैं फ्रांस के अंदर कि ये ड्रग्स की स्मगलिंग में और फिर सेक्सटोर्सन में है ना, किसी को ब्लैकमेल करने हैं, मतलब इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था टेलीग्राम का। और जो सीईओ हैं या इनकी जो कंपनी है वो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, फिर इस पर कोई भी नज़र नहीं रखती है, जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। अब बात करेंगे इंडिया की कि इंडिया में क्यों बैन हो सकता है, इंडिया में रीज़न क्या है बैन होने का, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। बात करते हैं अपने टेलीग्राम के बारे में। तो टेलीग्राम एक ऐसी चीज़ है जो आप अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और गलत काम के लिए भी कर सकते हैं। अब इसका उल्टा ही होता है, वैसे तो अच्छे काम के लिए लोग कम ही यूज़ करते हैं, गलत काम के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब गलत काम आप लोगों को पता है, गलत काम से मेरा मतलब सेक्सटोर्सन, एक्सटोर्सन से है ना, और गैम्बलिंग से है, और उसके बाद में ब्लैकमेलिंग, और भी काफ़ी सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो कि गैर कानूनी है या फिर इलीगल है, ड्रग्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अब जब फ्रांस के अंदर टेलीग्राम के सीईओ को पकड़ा गया है ना, तो उसके बाद में भैया फ्रांस में तो फिर अब ऑफकोर्स बात है, मतलब सीधी सी बात है कि अभी अरेस्टेड हैं तो उसका केस वगैरह भी चलेगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर अभी इस बात पर नज़र गई है कि टेलीग्राम क्या कर रहा है, बल्कि पहले भी इंडिया में इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। अब से आई थिंक 1-1.5 साल पहले भी सीन कुछ हुआ था, ठीक है ना, सेक्टोरसन वगैरह का, ब्लैकमेलिंग का, तब भी ऐसी बात चली थी। तो टेलीग्राम पे आरोप लगते रहते हैं और ये आरोप सही भी हैं। अगर आप बात करोगे ना ग्राउंड लेवल की, जो हम यूजर्स हैं, हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे यार टेलीग्राम यूज़ करते हैं, टेलीग्राम पे होता क्या क्या है। तो सारे गलत धंधे ज़्यादा टेलीग्राम पे ही चलते हैं भैया, चाहे वो किसी भी तरह का हो। अच्छे काम बेशक उस पर किए जा सकते हैं, बोट्स वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं जो कि अच्छे पढ़ाई के लिए फिर अच्छे काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट लेकिन वही है ना कि अच्छे काम के लिए कोई यूज़ नहीं करता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को पता तो पहले से था, लेकिन अब फ्रांस के अंदर जब अब इनके सीईओ अरेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जांच शुरू कर दी है, टेलीग्राम पे जांच बिठा दी गई है और ये जांच की जा रही है। अब इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्ट कर रही है किसके बारे में, टेलीग्राम के बारे में, कि भाई क्या सारी चीज़ें इसके ऊपर हैं और क्या क्या काम ये करता है। अभी आपको पता है यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था, तो उस मामले में भी जांच की जाएगी, क्योंकि उसमें ये रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि टेलीग्राम पे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में पेपर्स को जो है शेयर किया गया था, इनकी बांटा गया था लोगों के अंदर। तो टेलीग्राम में आपको बताया ना एक अड्डा बन चुका है हर चीज़ का, आपको गैमलिंग करनी हो, सेक्सटोर्सन करना हो, ब्लैकमेल करना हो किसी को, ठीक है, और उल्टे सीधे धंधे करने हो, ड्रग सप्लाई और मतलब पेपर लीक, मतलब पायरेसी, ठीक है ना, और भी जितने भी उल्टे सीधे सारे धंधे होते हैं ना, वो सब टेलीग्राम पे ही ऑपरेट किए जाते हैं, क्योंकि ईजी टू एक्सेसिबल है और आपका नंबर नहीं जाता, आप एक यूज़र नेम आपको मिल जाता है, उसके थ्रू आप चैटिंग कर सकते हो और इनक्रिप्टेड वाला सीन भी है, तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। जो ऐसे होते हैं लोग, गलत लोग होते हैं, उनको गलत काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको लगता है, उनको मतलब कुछ प्रूफ मिलता है, फिर उनको ऐसा लगता है जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है कि भाई बैन करना चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी बैन करने में और इंडिया में टेलीग्राम बैन हो जाएगा। अब बैन होने के बाद में आप इसे वीपीएन से एक्सेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किस तरीके से बैन किया जाएगा वो देखने वाली बात है। जैसे जिस तरीके से बैन किया गया था टिकटॉक को, क्योंकि टिकटॉक के जो जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं या फिर जितने भी सर्वर हैं सब बैन है इंडिया के अंदर, तो आप वीपीएन भी लगाते हैं तो भी टिकटॉक चलता नहीं है, है ना, तो अगर इस तरह से बैन किया जाएगा तो वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखने वाली बात है किस तरह से बैन किया जाता है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं घबराएगी बैन करने में, क्योंकि ज़्यादा अच्छे हालात हैं नहीं टेलीग्राम के जितना मुझे पता है। अगर जाँच सही से होती है तो पता चल ही जाएगा कि टेलीग्राम करता क्या है। और बात रही उन लोगों की जो टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तो भैया टेलीग्राम तो बंद हो ही जाएगा, लेकिन देखिए ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मैं थोड़ा साफ बोलना जानता हूँ, मैं सीधा बोलना जानता हूँ, टेलीग्राम बैन होगा तो मैं बता रहा हूँ भैया बहुत एप्लीकेशन उसकी जगह खड़ी हो जाएंगी आके कि जी हमें यूज़ करो, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। टिकटॉक बैन हुआ, कितनी सारी एप्लीकेशन आ गई, पहले लोग आरोप लगाते थे ना भाई टिकटॉक पे तो क्रिंज कंटेंट आता है, ये आता है, वो आता है, अब इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, तो अभी वहां भी ये सब चल रहा है। पहले टिकटॉक का नाम लेते थे, लेकिन पहले एक था सिर्फ टिकटॉक, लेकिन हम हजारों बन चुके हैं। तो यही होता है, अगर आप एक बैन करोगे तो उसके कितने सारे आ जाएंगे। तो ये तो होना ही है कि टेलीग्राम बैन होगा तो लोग अड्डा बनाएंगे किसी और चीज़ को, आई थिंक व्हाट्सअप की तरफ जा सकते हैं शायद, मतलब कंफर्म नहीं हूँ व्हाट्सअप को लेकर पूरी तरह से मैं, बट स्टिल और भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल करा दिए जाएंगे जब टेलीग्राम अगर बैन होता है तो। लेकिन अब जिन लोगों को करना है ना भाई गलत काम, वो लोग तो करते ही हैं। लेकिन दोस्तों मेरा इसमें छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, अगर गवर्नमेंट को लगता भी है कि टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर टेलीग्राम ऐसे काम करा रहा है,
तो बैन ना करके भी कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है अगर आप टेलीग्राम को रेगुलेट कर दें, मतलब उनसे कह दें कि भाई आपको ये चीज़ें हैं और आपको ऐसे ऐसे करनी है या फिर ये काम आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए। अगर टेलीग्राम उसको रोक देता है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, क्योंकि टेलीग्राम भी बना रहेगा इंडिया में और अच्छे से काम भी करता रहेगा। बट अगर नहीं रोक पाता तो फिर भैया बैन करना ही पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि शायद टेलीग्राम के हाथ में है नहीं चीज़ें उतनी, क्योंकि आप रेगुलेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को अगर आप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सर्विसेज देते हैं। जैसे व्हाट्सअप के साथ भी सीन चल रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कहती है कि आपको बताना पड़ेगा कि अगर कोई फेक न्यूज़ वायरल हो रही है, मान लीजिए किसी के बारे में गलत न्यूज़ वायरल हो रही है, ठीक है, जैसे आजकल AI की न्यूड वीडियोज़ वगैरह बन जाती हैं, ऐसी चीज़ें है ना, तो अगर किसी के बारे में ऐसी गलत न्यूज़ वायरल हो रही है तो गवर्नमेंट कहती है व्हाट्सअप से कि आपको हमें फर्स्ट सोर्स बताना होगा, मतलब जिसने वो मैसेज पहली बार बनाया है या फिर सेंड किया किसी को, उसके बाद तो फॉरवर्ड लोगों ने किया ही है लेकिन फर्स्ट सोर्स बताना होगा। अब वहाँ पे व्हाट्सअप बोल देता है कि जी हमारे तो मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो हमें खुद ही नहीं पता किसने किया, तो हम तो नहीं बता सकते, ये तो लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ हो जाएगा। तो वही है ना कि टेलीग्राम भी शायद ऐसा ना कर पाए, क्योंकि फिर वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड तोड़ना पड़ेगा और अगर वो टूटता है तो लोगों का विश्वास फिर खत्म हो जाता है। तो चीज़ें थोड़ी उलझी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट को चीज़ें बुरी लगती हैं तो फिर उसके बाद वो लास्ट डिसीजन बैन वाला ही हो सकता है और इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया टेलीग्राम आप लोग कितना यूज़ करते हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अच्छे काम के लिए तो शायद बहुत ही कम लोग करते होंगे, बट स्टिल आप किस चीज़ के लिए करते हैं मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट तक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।